नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेलकम टू आर गीटर सीखो। तो आज हम जो गाने सीखेंगे वही घुंगरू वार पिक्चर का बहुत ही अच्छा गाना है। ये सिंगल स्ट्रिंग में है, एक दो बार डबल स्ट्रिंग यूज़ किया गया, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है वो कैसे बजेगा पहले आपको बजा के दिखा देता हूँ। तो क्या हो रहा है, 9 10 9 9, फिर ये 10 होगा बी स्ट्रिंग का, फिर ना 9 10 9 9, फिर 9 10 9 9, फिर 10 10 बी स्ट्रिंग का, फिर 12 बी स्ट्रिंग का, फिर 9 होगा ई स्ट्रिंग का, फिर 12 12 होगा बी स्ट्रिंग का, ठीक है। 9 10 9 9, फिर 10 9 10 9 9 9 10 9 9 ई स्ट्रिंग का, 10 10 12 बी स्ट्रिंग का, 9 12 12, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 9 12 ई स्ट्रिंग का, सब ई स्ट्रिंग में बजेगा, 12 14 12 14 12, फिर 10 12 10 12 10, फिर 9 10, 9 12 12 14 12 14 12, 10 12 10 12 10, 9 10, ठीक है। फिर से बजा रहा हूँ, तो ये सेकेंड पार्ट जैसे ये थोड़ा सा चेंज है, कहाँ पे चेंज है देख लीजिए, 9 12 सब ई स्ट्रिंग में हो जाएगा, फिर 12 14 12 14 12, 10 12 10 12 10, 9, फिर 12 12 होगा ये वाला बी स्ट्रिंग का, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, 9 12 12 14 12 14 12, 10 12 10 12 10, 9, फिर 12 12 होगा बी स्ट्रिंग का, और बाकी सब ई स्ट्रिंग में। बट कैसे बजेगा पहले देख लीजिए, बजा के दिखा देता हूँ। तो क्या हो रहा है, 10 12 बी स्ट्रिंग का, फिर 9 होगा ई स्ट्रिंग का, फिर 10 9 9 ई स्ट्रिंग का, फिर से 10 12 बी स्ट्रिंग का, फिर 9 होगा ई स्ट्रिंग का, फिर 10 होगा ई स्ट्रिंग का, फिर 9 9 होगा ई स्ट्रिंग का, 10 12 9 10 9 9 10 12 9 10 9 9, ठीक है। दो बार बजाना है। तो क्या हो रहा है, 10 10 बी स्ट्रिंग का, 12 12 बी स्ट्रिंग का, फिर 9 होगा ई स्ट्रिंग का, 12 10 9 ई स्ट्रिंग का, फिर 12 बी स्ट्रिंग का, फिर 9 होगा ई स्ट्रिंग का, फिर 12 होगा बी स्ट्रिंग का, ठीक है। 10 10 12 12 9 12 10 9 12 9 12,